अमेरिका से महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अमेरिका में रिटेल महंगाई दर नवंबर महीने में अनुमान से कम बढ़ी है। नवंबर में महीने यानी मंथली आधार पर रिटेल महंगाई दर 0.4% से घटकर 0.1% रही है, जबकि अनुमान था 0.3% रहने का। तो इसी तरह सालाना आधार पर भी अमेरिका में रिटेल महंगाई 7.7% से घटकर 7.1% रही है। सालाना आधार पर रिटेल महंगाई दर 7.3% रहने का अनुमान था। इसी तरह मंथली आधार पर कोर सीपीआई 0.3% से घटकर 0.2% पर आया है, जबकि अनुमान था 0.3% पर ही रहने का। तो यूएस में महंगाई घटी है, महंगाई के मोर्चे पर अमेरिका से अच्छी खबर, जिसके जश्न में अमेरिकी बाजार में भी अच्छा खासा जोश देखने को मिला है। तो ये सबसे बड़ी खबर और बड़े आंकड़े आ रहे हैं अमेरिका के महंगाई के मोर्चे पर, जो कि नवंबर में अनुमान से कम बढ़ी है। तो हमने देखा कि अमेरिका में महंगाई घटने से अमेरिकी बाजार काफी खुश नजर आए हैं। दूसरी तरफ कमोडिटी, खासतौर पर सोने और चांदी में भी तेज बढ़त देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम सोने चांदी को देखें तो विदेशी बाजार में सोना $30 से ज्यादा उछला है, चांदी में 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। एमसीएक्स पर सोना 54,600 के पार हो गया है। तो ये हम देख पा रहे हैं सोने चांदी में तेजी का माहौल अमेरिकी बाजारों में, तेजी अच्छी बढ़त। वहीं विदेशी बाजार में भी सोने चांदी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि आंकड़ों के लिहाज से विदेशी बाजार में $30 से ज्यादा सोना उछला है, चांदी में 3% से ज्यादा का उछाल। तो एमसीएक्स पर जो सोना है 54,600 के पार पहुंचा है और एमसीएक्स पर जो चांदी है वो 59,000 के पार हुई है। और साथ ही अमेरिकी बाजार डाउ नैसडैक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। अमेरिकी बाजार जो है महंगाई के आंकड़ों से काफी ज्यादा झूम उठा है। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर है। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका। बहुत भरपूर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से, और खासतौर पर जो अमेरिका में सीपीआई नंबर्स आए हैं जो अनुमान से कम बढ़े हैं, अमेरिकी बाजार तो काफी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। आपको हमारे बाजारों पर कैसे सेंटिमेंट नजर आ रहा है इन नंबर्स का? नहीं, बिल्कुल, देखिए यूएस सीपीआई का नंबर जो आया है 0.10%, वो उम्मीद से काफी कम आ गया है और ये काफी अच्छा संकेत है। यूएस के मार्केट्स तो अच्छी तरह से पॉजिटिव है, हमको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट आपको कल इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो कल की फेड की पॉलिसी है। देखिए फेड की पॉलिसी में अनुमान था कि सीपीआई का नंबर अगर कम आता है तो जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो 75 बेसिस पॉइंट नहीं बट 50 बेसिस पॉइंट होगी। तो ये अभी मोटा मोटी अभी मोरलेस क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट की होंगे, तो ये डेफिनेटली मार्केट्स को काफी पसंद आएगा। और इस बात की एक बात की संकेत है, सिग्नल है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पीक आउट हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारा मानना है कि अगले 2-3 महीनों के लिए अगर यूएस सीपीआई का नंबर और भी कम हो जाता है तो उसका फायदा ऑब्वियसली यू नो यूएस इकोनॉमी को तो मिलेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट रेट का जो बढ़त थी वो अभी आने वाले दिनों में कम होगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इंडियन मार्केट के लिए अच्छी रहेगी, आपको कल अच्छा यू नो अच्छा बाउंस सुबह देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और ये नंबर मेरे ख्याल से ये बात का संकेत है कि इंटरेस्ट रेट अभी थोड़े यू नो मॉडरेट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, और क्विकली वेरी क्विकली अविनाश जी, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी खासतौर पर इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को? देखिए मुझे लग रहा है कल के सत्र में बैंक्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, क्योंकि बैंक्स में अभी भी ट्रैक्शन काफी पॉजिटिव है, तीसरे तिमाही के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। तो मेरे ख्याल से कल के सत्र में आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली अगर एसबीआई की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, ICICI और एक्सिस बैंक। तो ये 3-4 स्टॉक्स है जहाँ पे हमको लग रहा है कि कल नॉट ओनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म बट एक शॉर्ट टर्म बाउंस भी आपको मिलेगा। तो बैंकिंग पे फोकस रखिए, बैंकिंग पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं और थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आ सकता है, और अगर सेंटिमेंट अच्छा होता है तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट के साथ अच्छी तरह से चलता है। ओके सर, थैंक यू सो मच अविनाश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो यूएस में महंगाई दर के आंकड़े सामने आए, अनुमान से कम बढ़त दर्ज की गई है, बाजार तो झूमे ही है, सोने चांदी में बढ़त देखने को मिली है और इसका अच्छा इम्पैक्ट हम अपने भारतीय बाजारों पर भी देख सकते हैं आने वाले कुछ कारोबारी सत्रों में।